पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया है। तफसीलात के मुताबिक पीडीएम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान पीडीएम का कहना है कि झूठी हुकूमत और तबाही सरकार ने 3 सालों में 40% पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। इमरान खान साहब, आपने बजट में आवाम को रिलीफ देने का वादा किया था, कहाँ है वो रिलीफ? पीटीआई हुकूमत का हदफ गुर्बत नहीं, गरीब का खात्मा है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पीडीएम मुल्क और कौम को इस अजाब से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर है। पीडीएम कुल ना अहल और नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ फैसलाबाद में तारीख साज जलसा करेगी। फैसलाबाद जलसे की सदारत पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान करेंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि 28 अरब रुपए के कर्जे नौजवानों को फराहम किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मावने खसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि वजीर आजम इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम नौजवानों के लिए चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को किसी खास काम में तजुर्बे को अमली जामा पहनाने के लिए मौका दिया जा रहा है। कामयाब जवान स्किल फॉर ऑल प्रोग्राम का आगाज किया गया, 10 अरब रुपए इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। फारूक हबीब ने कहा है कि तमाम सूबों में स्कॉलरशिप फराहम की गई, मजीद 1 लाख स्कॉलरशिप देंगे, नौजवानों के हुनर के 100 से ज्यादा प्रोग्राम मुतारिफ कराएंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि 26,000 नौजवानों का पहला बैच तरबियत हासिल करके अपना कारोबार शुरू कर चुका है। हमारा फोकस आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इस साल के टारगेट से भी आगे जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिनाई से महरूम अफराद के मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सफेद छड़ी के तहफ्फुज के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहना था कि आज का दिन मनाकर पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो एक जिम्मेदार और इंसानियत दोस्त कौम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सफेद छड़ी के तहफ्फुज का आलमी दिन मनाने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहना था कि सफेद छड़ी के तहफ्फुज के आलमी दिन पर नौजवानों का जज्बा काबिले तहसीन और किरदार कलीदी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान में 20 लाख से ज्यादा अफराद बिनाई से महरूम हैं, जबकि जुजवी तौर पर नाबीना अफराद की तादाद 60 लाख के करीब है। पाकिस्तान में बिनाई से महरूम अफराद को हर सतह पर मुश्किलात का सामना है। ऐसे हालात में नाबीना अफराद की मावनत करना हुकूमत समेत पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि बजट तकरीर में मैंने जो कुछ कहा था वो सच और हुकूमत झूठी साबित हो गई। मैंने कहा था कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी, आज ये बात सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा है कि साबित हो गया है कि हुकूमत ने बजट के नाम पर आवाम को धोखा दिया। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी, ये हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। टैक्स छूट वाली अशिया पर 17% सेल्स टैक्स लगाए। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा आवाम और मईशत के खिलाफ दहशतगर्दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही पहले ही तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत ने एक नया बम फेंक दिया है। इमरान न्याजी IMF की कुर्बान गाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। IMF की शरायत पर अंधाधुंध अमल करने वाली हुकूमत ने अवाम के मुफाद का ख्याल नहीं रखा। मावने खसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि सच की हमेशा जीत होती है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम के मावने खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसाइल बराए तरक्की जुल्फी बुखारी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी अपने पैगाम में लिखा है कि अदालती अहकाम पर रेहम खान ने अवामी तौर पर माफी मांगी और अपने झूठ पर हर्जाना अदा किया। जुल्फी बुखारी ने कहा है कि इंशाल्लाह एक दिन हमारे यहाँ भी एक जैसा कानून और इंसाफ होगा ताकि झूठ और जाली खबरें फैलाने वाले बाज मीडिया वालों को गिरफ्तार किया जा सके। कराची नस्ला टावर के रहायशियों को इमारत 15 दिन में खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद ने अखबारात में इश्तेहार शाया कर दिया है। दराए के मुताबिक जारी किए गए नोटिस में दर्ज है कि नस्ला टावर खाली न किया गया तो रहायशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर फैरोजाबाद का कहना है कि 7 और 9 सितंबर 2021 को भी नोटिस भेजे। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 16 जून और 22 सितंबर वाले फैसले का हवाला भी दिया गया है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि इमारत खाली न करने की सूरत में फैरोजाबाद पुलिस की मदद ली जाएगी। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। वादे रहे कि गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और कमिश्नर कराची को नस्ला टावर मुनहदम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता माह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत की थी। दराए के मुताबिक दौरान समाअत नस्ला टावर के मालिक के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा था कि नस्ला टावर की बेशुमार इमारतें खड़ी हैं। जिस तरह नस्ला टावर बनाया गया वैसे ही बेशुमार इमारतें बनाई गयी। ग्लास टावर की तरह हमें भी रिलीफ दिया जाए। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर थाने की हुदूद एक घर से नौजवान की लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके नसीम नगर थाने की हुदूद एक घर से नौजवान की लाश बरामद हुई, जहां 14 साल नौजवान मोहम्मद उस्मान की लाश मुख्तियार कार कासिमाबाद माजिद खास खैली के घर से हुई। दराए का कहना था कि नौजवान
मोहम्मद उस्मान की लाश वाहदम वाह पर रखकर धरना दिया, जबकि सैकड़ों अफराद की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दराय का कहना था कि धरने के बाइस नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। दराय का कहना था कि बच्चे को मुख्तियार कार ने गर्दन में गोली मारी है। दराय का कहना था कि बच्चे कई सालों से इनके घर में काम करता था, जबकि महज परिंदा चोरी होने के इल्जाम में बच्चे को मार दिया गया। दराय का कहना था कि पुलिस मुख्तियार कार माजिद खासकेली की सपोर्ट कर रही है। विरसा का मजीद कहना था कि फायरिंग के दौरान हमारे 3 अफराद जख्मी कर दिए हैं। महकमा मौसमियात ने कराची के शहरियों को खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज में कराची में सर्दी बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत में वाजिया कमी देखने में आई है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का मौसम के हवाले से कहना था कि आइंदा चंद रोज में शहर कायद में सर्दी बढ़ जाएगी, ताहम आज मुतला जिजवी अबर आलूद रहेगा। वजीरे तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा है कि पीटीआई अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। तफसीलात के मुताबिक वजीरे तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा मरे को मारने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर माह आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला जाता है। पीटीआई को जिस मकसद के लिए इक्तदार सौंपा गया था वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है। अब तो आवाम की चीखें भी आहों और सिसकियों में तब्दील हो चुकी है। इम्तियाज शेख ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से अशियाए खुर्दनूश समेत तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ओगरा ने पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मौजूदा इजाफे की तजवीज वजारत पेट्रोलियम को दी हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया है। तफसीलात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 40 से 1090 रुपए तक का इजाफा हो गया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर डालडा घी की फी किलो कीमत में 109 रुपए तक का इजाफा हो गया। जराए का कहना है कि कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जबकि इतलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स डालडा घी का 10 लीटर कैन 1090 रुपए महंगा हो गया, जबकि 10 लीटर डालडा घी का कैन 2500 रुपए बढ़कर 3590 रुपए हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 लीटर प्लांटा कुकिंग ऑयल की कीमत में 463 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि प्लांटा कुकिंग ऑयल 1332 रुपए बढ़कर 1795 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स मनपसंद कुकिंग ऑयल की कीमतों में 465 रुपए तक का इजाफा हो गया, जबकि मनपसंद 5 लीटर कुकिंग ऑयल टिन की कीमत 1245 से बढ़कर 1710 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मीदान घी के 10 लीटर टिन की कीमत 475 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि मीदान घी के 10 लीटर टिन की कीमत 2885 से बढ़कर 3360 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सबा कमर को इनके मद्दा अब एक पुलिस के रूप में देखेंगे। अदाकारा सबा कमर वैसे तो अब तक बहुत से किरदार अदा कर चुकी हैं, जिसमें उनके मदाया किरदार भी शामिल हैं, लेकिन अब अदाकारा को एक नए और संजीदा अंदाज में देखा जा सकता है। अदाकारा ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने नए किरदार के हवाले से बताया भी है। अदाकारा सबा कमर ने अपने नए किरदार के हवाले से बताया गया है कि वो जल्द ही ड्रामा निगार उमर अहमद के एक और बेहतरीन कहानी पर काम करती हुई नजर आएंगी। अदाकारा के इस पोस्ट पर मद्दाहों की जानिब से इन्हें बहुत पजीराई हासिल हुई है, जबकि इनके नए किरदार से पसंदीदगी का इजहार भी किया गया है। ख्याल रहे कि अदाकारा अपने किरदार और प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीलात अपने मद्दाहों के साथ शेयर करती रहती है। पाकिस्तानी अदाकारा सोनिया हुसैन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं, जिससे ये अखज किया जा रहा है उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। अदाकारा सोनिया हुसैन ने फौजी वर्दी में अपनी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है। इन तस्वीर में अदाकारा सोनिया हुसैन को मिलिट्री की वर्दी में देखा जा सकता है, जिसको देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि अदाकारा ने अपने अदाकारी के कैरियर को खैरबाद कह दिया है। इन तस्वीर को शेयर करते हुए अदाकारा ने अपने इस लुक की वजाहत भी पेश की है। अदाकारा सोनिया हुसैन ने बताया है कि ये लुक उनके नए किरदार का है, जो उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अपनाया है। अदाकारा सोनिया हुसैन ने बताया है कि पाकिस्तान में लेडी पुलिस अफसरान को वो इज्जत और ओहदा नहीं मिलता जो वो असल में चाहती है। अदाकारा ने अपने मद्दाहों को अपने नए किरदार के हवाले से आगाह करते हुए इनके नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहने का कहना है। ख्याल रहे कि इससे कबल भी अदाकारा ने अपने पुलिस के किरदार से मद्दाहों को आगाह किया था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आज से शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट में मर्दों के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस के ऑगस्टस डोसॉर्ट ने पाकिस्तान के तैयब असलम को शिकस्त दी है। मर्दों के दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र के मुस्तफा अल सर्टी ने हांगकांग के हेनरी लॉन्ग को शिकस्त दी है। खवातीन के पहले सेमीफाइनल में मिस्र की सलमा अल तैब ने मिस्र की ही फेरोज अबू अल खैर को शिकस्त दी, जबकि खवातीन के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस की मारिया स्टेफन ने मिस्र की नदीन कुतुब को शिकस्त दे दी है। राय के मुताबिक मर्दों और खवातीन के फाइनल 15 अक्टूबर को मिशफ स्क्वाश कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा यशमा गिल के ब्राइडल शूट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यशमा गिल ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो पोस्ट की है। पोस्ट की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा रूसी लिबास जेब तन की हुई है। यशमा गिल की वीडियो पर मद्दाहों की जानिब से तारीफी कमेंट्स का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल अदाकारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इनके इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। अपने पोस्ट में अदाकारा यशमा गिल ने
ने लिखा था कि मैं अपने तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अदाकारा की इस पोस्ट पर इनके मतदाताओं के साथ साथ शोबिस स्टार्स ने भी इनको मुबारकबाद दी थी। इससे कबल यशमा गिल ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की थी। इससे मतदाताओं की जानिब से बहुत पसंद किया गया था। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।